बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एज व्यूज। आज मैं दोबारा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जा रहा हूं कि आज सेकेंड डोज है। इवन दो मुझे कोई मैसेज उनका मौसूल नहीं हुआ, पर इंस्ट्रक्शंस लास्ट टाइम यही थी कि आप जब भी 21 दिन पूरे हो जाएं तो आप दोबारा वैक्सीनेशन सेंटर को विजिट कर लें। सो मैं अब दोबारा जा रहा हूं और वहां पे जाकर फिर मैं आपको इंशाल्लाह चीजें दोबारा अपडेट करता हूं। पहले मैं रात को आया था तो आपको याद है बहुत लंबी लाइन थी और अभी भी लाइन काफ़ी लंबी ही लग रही है। ये सारे लोग इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर के खुलने के इंतज़ार में हैं कि 8 बजे वैक्सीनेशन सेंटर खुले तो ये लोग अंदर जा सकें। लोग पैदल भी आ रहे हैं, वैन्स पे भी आ रहे हैं, बाइक्स पे भी आ रहे हैं, गाड़ियों पे भी आ रहे हैं। इट इज़ गुड टू सी के लोग वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं। होपफुली थिंग्स विल बी गुड हियर। So let's go and get vaccinated for the second time. Hall number 3 जहाँ पे पहली डोज लग रही है और hall number 1 जहाँ पे दूसरी डोज लग रही है। सेकेंड डोज लगवाने के लिए आपको हॉल नंबर 1 में आना है अगर आप एक्सपो सेंटर आ रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ पे हॉल नंबर 3 के सामने खड़े होकर वेट करते रहते हैं और जब उनकी बारी आती है तो उनको पता लगता है कि हॉल नंबर 1 में डोज 2 लगनी है। तो अगर आपने सेकेंड डोज लगवानी है तो डायरेक्टली हॉल नंबर 1 में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेकेंड डोज मुझे लग गई है और मुझे साइनोफार्म की डोज लगी है, चाइनीज़ वैक्सीन है। और काफ़ी रश है यहाँ पे, आप जितना जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग आएँ। वैसे तो ये 24/7 है क्योंकि जुम्मे को यहाँ पे छुट्टी होती है, इसलिए नेक्स्ट डे सैटरडे को ये 8 बजे खोलते हैं। तो वैसे ही 24/7 एक्सपो सेंटर जो है वो काम कर रहा है, जो मेरी बात हुई है यहाँ के लोगों से। और बहुत से लोग जो हैं वो एस्ट्राजेनेका को शायद नहीं लगवाना चाहते फॉर सम रीज़न, जो उनके लिए है कि मैंने यहाँ उनके लिए भी बात की है कि अगर कोई एस्ट्राजेनेका नहीं लगवाना चाहता, उनको ब्लड क्लॉटिंग का मसला है, तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मौजूद डॉक्टर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर वो अलाउ करें तो शायद आपको साइनोफार्म या दूसरी डोज लग सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मगर ये कि जो मुझे बताया गया वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, तो आप अपने तौर पर इस चीज़ को कन्फर्म खुद भी कर सकते हैं। वैसे एस्ट्राजेनेका में कतन को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी इसके ऊपर, एस्ट्राजेनेका के ब्लड क्लॉटिंग पे, वो आप देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि सिम्टम्स के लिहाज से फर्स्ट डोज के बाद मुझे हल्का सा हल्की सी स्वेलिंग थी मैं लेफ्ट आर्म, जो जहाँ पे मुझे वैक्सीन पहली डोज लगी थी और जो कि 2-3 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कोई बुखार हो गया, कोई नौजिया हो गया या कोई आर्म स्वेल कर गई, तो दो और वो बिल्कुल 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं। अब तो है 19+ के लिए भी रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है, तो सब अपने आप को रजिस्टर करवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं अपने टाइम पे और महफूज रहें। अल्लाह ताला हम सब का हाफ़िज़ नासिर हो। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।